सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। जैसा को आपको पता है कि मैं मदीना शरीफ में पिछले 6 दिन से हूँ और मेरी पहले भी वीडियो आई है और वीडियो का सिलसिला जारी है। आज 6ठा दिन है मुझे मदीना में। तो वैसे तो ये सारी मस्जिद अपने आप में एक शाहकार है। मैं सलाम पेश करता हूँ उन आर्किटेक्चर्स को जिन्होंने इस मस्जिद को डिज़ाइन किया। तो आज मैं आपको बड़ी ख़ास दो चीज़ें दिखाने वाला हूँ। वैसे तो इस मस्जिद की एक एक चीज़ जो है ना, वो वैसे तो इस मस्जिद की एक एक चीज़ तारीफ़ के काबिल है, लेकिन इसमें कुछ ख़ास चीज़ें हैं। उस दिन मैंने आपको ये बताया था कि इस मस्जिद में कहीं भी एसी और चिलर वगैरह नहीं है, नज़र नहीं आते। लेकिन इसके अगर एसियों की बात करें तो चिलर की, तो ये इसके पिलर के अंदर इन्होंने लगाए हुए हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप इसके ये पिलर्स के साथ ये देख सकते हैं, ये गोल्ड, ये 24 कैरेट खालस गोल्ड है, कोई दूसरी धात नहीं है, ये सारा गोल्ड है और सारे पिलर्स के साथ लगा हुआ है। जितने भी इस मस्जिद के पिलर हैं सबके साथ ये लगा हुआ है। आप खुद अंदाज़ा कर लें, ये मस्जिद का सही एरिया तो मुझे नहीं पता, वो मैं आपको बाद में ये डिस्क्रिप्शन में इसके मेंशन कर दूंगा कि ये कितने एरिए पे मुहित है और कितने पिलर हैं इसके अंदर। सबके साथ ये गोल्ड लगा हुआ है, यहाँ तक आप देख सकते हैं सबके साथ गोल्ड। और दूसरी चीज़ इसकी बड़ी एक अहम है कि आपको पता कि आब जमज़म जो है वो मक्का मुकरमा से निकला था, सफ़ा मरवा के मुकाम से, लेकिन इन्होंने आब जमज़म को पूरे मदीना शरीफ में भी फैलाया हुआ है। मुख्तलिफ जगहों पे आपको पीने के लिए मिलेगा और ख़ासकर ये मस्जिद के अंदर इन्होंने कूलर रखे हुए हैं मुख्तलिफ जगह पे। ये सारा आब जमज़म लोग यहाँ से पीते भी हैं और बोतल में भर के भी लेके जाते हैं। ये देखें हर जगह आपको नज़र आएगा। इसके अलावा सादा मिनरल वाटर जो है वो भी है बाहर, लेकिन ये जो कूलर पड़े हुए हैं ना मस्जिद के अंदर, ये सारा आब जमज़म है और ये कतार दर कतार इन्होंने ये कूलर रखे हुए हैं सारे आब जमज़म। तो मस्जिद के मुख्तलिफ जगहों पे इन्होंने रखे हुए हैं, कहीं से भी आप पी सकते हैं किसी वक्त भी। और मस्जिद के सामने वो जो आपको बैरियर नज़र आ रहा है ना, उसके दूसरी तरफ जो है ना वो लेडीज़ का एरिया है। ख़वातीन जो है ना वो उस तरफ बैठती हैं दूसरी तरफ, और मर्द हजरात जो हैं वो इस तरफ, दोनों को डिवाइड किया हुआ है। अगर आप फैमिली के साथ हैं तो नमाज के बाद आप बाहर सेन में जा सकते हैं, वहाँ एक साथ बैठ सकते हैं। मगरिब की नमाज़ अदा की है तो अभी आधा घंटा बाकी है इशा की नमाज में, उसके इंतज़ार में मैंने कहा चले वीडियो बनाता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। इस वक्त मैं अपने वाले साहब के साथ आया हूँ, थोड़ा थक गए तो लेटे हुए साइड में। आप ये देखें, ये दरसे कुरान का काम भी जारी है, जिन लोगों को सही पढ़ना नहीं आता वो इनको सुनाते हैं और अपना इजाफा करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। मस्जिद के अंदर आपको मुख्तलिफ जगह पे दरसे कुरान, दरसे निज़ामी के ग्रुप बने नज़र आएंगे। मुख्तलिफ जगह पे लोग एक दूसरे से वो सिखा रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, कुरान जी पढ़ रहे होते हैं, कुरान जी सुना रहे होते हैं। और अगर हम असर के वक्त बाद आएँ तो आपको बच्चों की बहुत बड़ी तादाद नज़र आती है।
जो मदीना शरीफ के रहायशी हैं ना इधर, उनके बच्चे इधर पढ़ने आते हैं। अभी नमाज का टाइम है तो ये देखें, ये इधर भी लोग इकट्ठे हुए हैं, यहाँ भी दर्स वगैरह का काम चल रहा है। Gracias.